नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी, चूल्हा चौकी में आप सबका स्वागत है। आज हम सलोनी बनाएंगे, वो बहुत ही खस्तेदार बनेगा और जिस तरह हम बताएंगे बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सलोनी बनाने के लिए मैंने 1 kg मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया अच्छे से। 2 चम्मच हम अजवाइन लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 कटोरी घी लिए हैं, इसको पिघला लेंगे। 2 चम्मच इसको इसमें डाल देंगे इस तरह से। और अजवाइन को इस तरह से थोड़ा सा किस करके डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसको मिला दिए हैं अच्छे से। और इसको अब गरम थोड़ा गुनगुना पानी से इसको गूंथेंगे। थोड़ा गुनगुना पानी है ये, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिलाएंगे इस तरह। अच्छे से मिलाते जाएंगे तो गुठलियां ना पड़े इसमें। देखिए दोस्तों आटा कितना अच्छे से सना गया है, ये सॉफ्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाते हुए सानना है, गूथना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा इस तरह से। फिर इसके बाद इसको हम बेलेंगे, इसका लोई बना लेंगे इस तरह से अच्छे से मिला के। उसके बाद तेल लगा लेंगे थोड़ा सा। मोटा होगा उधर पतला कर देंगे थोड़ा। देखिए इस तरह कितना अच्छे से उठ जाता है, ये चिपकता नहीं है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से बनाना है। फिर इसको काट लेंगे। आप इसको जैसा भी शेप देना चाहते हैं, थोड़ा चौड़ा बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से कट गया है ये। इस तरह एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरे को नहीं, एक बार नहीं बेल के रखना है, बिल्कुल सूख जाएगा। थोड़ा थोड़ा बेल के काट के उसके बाद इसको तल लेना है।
इस तरह अच्छे से मिला के तेल लगा देंगे इसमें। कढ़ाई को गैस पर रख दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। अब इसमें तेल डाल देंगे, तलने के अनुसार डालेंगे। तेल को लो पर रख के गर्म कर लेंगे अच्छे से, तब तक इधर हम सलोनी को बेल लेंगे। अब हम सलोनी को तलेंगे। तेल गर्म हुआ है कि नहीं उसका हम चेक कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा डालेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए सलोनी ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, शुरू में गैस ऑन तेज रखेंगे, फूल पर रखेंगे, थोड़ा सा सलोनी डालेंगे, इस तरह हिलाते हुए इसको ब्राउन तक करेंगे। थोड़ा सा ये जब अलग अलग हो जाएगा इस तरह, तो गैस को हम कम कर देंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से इस तरह से, इस तरह से पकाएंगे चलाते हुए। देखिए नीमकी सलोनी ऐसे इस तरह से इसको तल देंगे ब्राउन, सब देखिए जैसा हो गया एकदम ब्राउन। और इसके बाद अब इसको हम निकाल देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको टिश्यू पेपर पर नहीं रखिएगा, नहीं तो इसका खस्ता जो बनता है वो नहीं बन पाएगा। दोस्तों देखिए सलोनी बन गया है, इसको टाइट डब्बे में बंद करके रखिएगा तो 2 महीने तक आराम से खा पाइएगा इसको। बहुत स्वादिष्ट है, बनाइएगा खाइएगा। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, अपना अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।